हेलो एवरी वन दिस इज़ द सेकेंड वीडियो ऑफ़ द चैप्टर लाइफ प्रोसेस ये सेकेंड वीडियो है लाइफ प्रोसेस चैप्टर का और इसके फर्स्ट वीडियो में हम लोग ने लाइफ प्रोसेस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था और चैप्टर टू में इंट्रोडक्शन को ही हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हम लोग एक जनरल एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि इस चैप्टर में एग्जैक्टली जो प्रोसेस है उनकी क्या रिक्वायरमेंट है और फिर हम उनको डिटेल में आगे पढ़ेंगे तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं देखिए केस ऑफ सिंगल सेलोनिज्म ये बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि बोर्ड में ये क्वेश्चन कई बार इन पैरा से आए हैं तो इन पैरों को देखना बहुत ज़रूरी है जिससे हमारा कोई भी बोर्ड का क्वेश्चन छूटे ना ठीक है हम जहाँ जहाँ से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम लोग को सारा पोर्शन जो है वो कवर करना है ठीक है इन केस ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म अगर हम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि हम प्रोटोजॉन्स की बात कर रहे हैं बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं ठीक है यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट या यूनिसेलुलर यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं यहाँ पर जनरली हम अमीबा यूगलिना पैरेमिशन जो प्रोटोजॉन है उनकी बात कर रहे हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है फूड को लेने के लिए इंजेस्ट करने के लिए ठीक है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस गैसेस के एक्सचेंज के लिए और रिमूवल ऑफ वेस्ट वेस्ट के रिमूवल के एक्सक्रीशन के लिए तो इनके लिए कोई स्पेसिफिक कोई ऑर्गन नहीं है और उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती बिकॉज द एंटायर सरफेस ऑफ द ऑर्निज्म क्योंकि जो सिंगल सेल ऑर्गनिज्म है उनका जो एंटायर बॉडी सर्फेस है मतलब उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो उस कॉन्टेक्ट इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्ट में रहती है जैसे सपोज ये जैसे अमीबा है ठीक अमीबा के अंदर अब इसका जो अमीबा का सेल मेम्ब्रेन है जो इसका जनरल बॉडी सरफेस है इसी से ही और जो भी वेस्ट है वो बाहर जाएंगे और जो भी इसको फूड लेना होगा इसी मेम्ब्रेन से लेगा जाते मतलब इनकी जनरल बॉडी सर्फेस से ही ये सारे वर्क होते हैं ठीक है थेके? बट ये सिंगल सेल ऑर्डिज्म की बात है बट वॉट हैपन वेन द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्निज्म इंक्रीजेज और जब अगर बॉडी साइज ज़्यादा है और बॉडी डिज़ाइन और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है मतलब हम मल्टी सेलोर ऑर्निज्म की बात कर रहे हैं इन मल्टी सेलोर्निजम्स ऑल द सेल्स मे नॉट बी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द इन्वायरमेंट क्योंकि जो जितनी भी सेल्स हैं बॉडी में वो सभी इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं रहती हैं ठीक है जनरली स्किन की सेल्स आ जाएंगी एपिथिलियल सेल्स आ जाएंगी स्किन की जो अपर लेयर की सेल्स आ जाएंगी बट बॉडी की जो मेजर बल्क ऑफ द सेल्स हैं वो इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं रहेंगी दस सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल द सेल्स इसका मतलब है कि सिंपली डिफ्यूजन के थ्रू मतलब डिफ्यूजन के थ्रू जो बॉडी की सभी सेल्स हैं वो न्यूट्रिशन एक्सक्रीशन रेस्पिरेशन ये सब परफॉर्म नहीं कर सकती दैट मीन्स सिंपल डिफ्यूजन जो है उसके थ्रू नहीं हो सकता क्योंकि जो मल्टी सेलोर हैं उनकी सभी सेल्स इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं होती तो इन हमने देखा इन मल्टी सेलोर इज बॉडी पार्ट्स मतलब बहुत सारे जो बॉडी पार्ट्स हैं मतलब जो मल्टीसोलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जो ऑर्गन्स हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं इन द फंक्शन दे परफॉर्म जो फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं जैसे हमको पता है कि लीवर का फंक्शन डाइजेशन में है स्टमक डाइजेशन करता है हार्ट ब्लड पंपिंग करता है किडनी फिल्ट्रेशन करती है ब्लड का दैट मीन्स हमारी बॉडी में जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो ऑर्गन्स हैं उनका जो टिश्यू हैं उनका उस एक स्पेशलाइज फंक्शन है जो वो परफॉर्म करते हैं इट इज़ देअर फोर नॉट सरप्राइजिंग दैट द अपटेक ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन इसलिए ये कोई भी अशर की बात नहीं है कि फूड को लेना और ऑक्सीजन को लेने के लिए भी हमारी बॉडी में स्पेशलाइज्ड टिश्यू हैं जो फूड और ऑक्सीजन को लेते हैं बाहर इन्वायरमेंट से हाउएवर दिस पोजिस अ प्रॉब्लम अब इनकेस हमने जैसे बाहर से ऑक्सीजन तो ले लिया फ़ूड तो ले लिया ठीक है फूड और ऑक्सीजन तो ले लिया बट बॉडी में जो इतनी सेल्स हैं इतने अदर ऑर्गन्स हैं दूसरे बॉडी के पार्ट हैं वहाँ तक पहुँचाना भी ज़रूरी होता है दैट मीन्स अब यहाँ पे जरूरत पड़ती है सर्कुलेटरी सिस्टम की ठीक है देखो लिखा दिस सिचुएशन नीड्स अ नीड्स फॉर अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इस सिचुएशन के लिए कि भाई हमारी स्पेसिफिक ऑर्गन है उन्होंने तो फंक्शन कर लिया उन्होंने तो ऑक्सीजन और फूड को इंटेक कर लिया बाहरी इन्वायरमेंट से बट उसको पूरी बॉडी में पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी फॉर कैरिंग फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू एन अंडर इन द बॉडी बॉडी में तो वेन केमिकल रिएक्शंस यूज द कार्बन सोर्स अब देखो ये जो एग्जैक्टली exactly जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम बॉडी में है अब जो फूड मटेरियल है और जो ऑक्सीजन है वो पूरी बॉडी में सभी टिश्यू सभी सर्स तक पहुंच गई हैं बट व्हेन द केमिकल रिएक्शन यूजेस द कार्बन सोर्स लेकिन कोई भी केमिकल रिएक्शन में जब कोई कार्बन सोर्स यूज होता है दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स मतलब ग्लूकोज का यूज होगा फॉर एनर्जी जनरेशन ठीक है एनर्जी को जनरेट करने के लिए दे क्रिएट बाई प्रोडक्ट्स तो कुछ बाई प्रोडक्ट भी बन के निकलेंगे जो वेस्ट होंगे और सिर्फ वो यूजलेस ही नहीं होंगे सिर्फ वेस्ट नहीं होंगे बट वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल भी होते हैं क्योंकि उनका ज़्यादा एक्यूमुलेशन जो होता है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है तो दीज वेस्ट बाई प्रोडक्ट्स आर देयर फोर नीडेड टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी मतलब अब एक दूसरी हमारी बॉडी की जरूरत यह है कि उन वेस्ट को क्योंकि एनर्जी बनाने में जो मटेरियल जो रॉ मटेरियल यूज़ हुआ उसके बाद जो वेस्ट, वेस्ट बने एज अ बाई प्रोडक्ट उनको बॉडी से बाहर निकालना भी जरूरी है और इसके लिए एक प्रोसेस आती है दैट इज एक्सक्रेशन तो हम लोग ने न्यूट्रिशन देखा फॉर द इंटेक ऑफ द फूड फ्रॉम द इन्वायरमेंट फिर हम लोग ने रेस्परेशन देखा फॉर एनर्जी जनरेशन देन हमने ट्रांसपोर्टेशन देखा बिकॉज इन मल्टीसेलर ऑर्निजम्स ऑल द सेल्स आर नॉट रिमेन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द एनवायरनमेंट सो वी हैव अ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर एक्वायरिंग ऑक्सीजन एंड फूड बट फ्रॉम दैट ऑर्गन this has to be that means food and minerals and oxygen have to be circulated throughout the body so there is a need of a transportation system that is a circulatory system to and the fourth one uh, after the oxidative mechanism in the cell after the cellular respiration that is for the generation of atp and the, for the generation of energy we need we need to remove the, those byproduct which uh, क्रिएट्स एज अ वेस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ दिज मेटाबोलिक रिएक्शन सो वी हैव टू रिमूव दिस वेस्ट एंड द प्रोसेस एंड द ऑर्गन्स विच आर इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन आर द एक्सक्री ऑर्गन एंड द प्रोसेस एक्सक्रीशन तो एक्सक्रीशन भी जो है वो जरूरी है अगेन देखो अगर हम बॉडी में ये जानते हैं कि जो हमारे बॉडी का बेसिक रूल ये है मल्टी सेलर ऑर्गिजम्स का कि आई स्पेशलाइज्ड टिशू फॉर एक्सक्रेशन विल बी डेवलप भी ऑब्वियसली जो एक्सक्रेशन के लिए भी स्पेशलाइज टिशू होगा ठीक है ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा ठीक है और इन सभी प्रोसेस जो अभी तक हमने पढ़ी इनको अब हम वन बाय वन स्टडी करेंगे तो जनरली एक लाइफ प्रोसेस को याद रखने का एक तरीका है यहाँ पर अगर आपको पूछ मतलब जानना है कि तरह की लाइफ प्रोसेस होती हैं तो यहाँ पर देखो लिखा है एम आर एस ग्रेन जी आर ई -E एन इसमें टी और लगा दो ठीक है मिसेस ग्रेंट मिसेस ग्रेंट में देखो एम से हो जाएगा मूवमेंट आर से होगा रेस्पिरेशन एस से सेंसिटिविटी दैट मीन्स कॉन्शियसनेस जी से होगा ग्रोथ आर से रिप्रोडक्शन ई e से एक्सप्रेशन एन से न्यूट्रिशन एंड टी से ट्रांसपोर्टेशन ठीक है ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेशन जो भी आपको अच्छा लगे So Grant, ये सारी वो है, वो सारी है जो हमारे बॉडी के लिए जरूरी हैं मूवमेंट है. आपको पता है ग्रोथ आपको पता है रिप्रोडक्शन दैट मीन आपको पता ही है, है कि रिप्रोडक्शन का मतलब है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपनी जैसे दूसरे ऑर्गनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं ये बायोलॉजिकल फिनोमेना है एक्सक्रीशन आपको पता है अभी आपने पढ़ा कि गेटिंग रेड ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट एंड द न्यूट्रिशन इज टेकिंग इन एंड यूजिंग फूड है ना एंड द ट्रांसपोर्टेशन इज द ट्रांसपोर्टेशन और सर्कुलेशन इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वेरियस फूड्स फ्राम देयर स्पेशलाइज ऑर्गन टू ऑल थ्रू द बॉडी जो भी स्पेशलाइज ऑर्गन है फूड के वहाँ से उनको ले करके पूरे बॉडी में फैलाना ये आपका ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन है ट्रांसपोर्ट सिस्टम का ठीक है तो आई थिंक आप लोग ने यह समझ लिया है इस चैप्टर में बिटा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रेशन ठीक है ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है इसके लिए अलग चैप्टर है वो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर है आपके कोर्स में उसमें कंप्लीट जो हाउ है इसको डिटेल में पढ़ेंगे ठीक है मेटाबॉलिज्म ये एज अ रेस्पिरेशन का पार्ट है ठीक है तो रेस्पिरेशन में भी इसका काफ़ी पोर्शन पढ़ लेंगे तो इस तरीके से ये हमारा न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्टेशन रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ठीक है तो आई थिंक आप लोग को ये जो प्रोसेस हैं लाइफ प्रोसेस किस लिए वो हमारे लिए बॉडी के लिए ज़रूरी हैं ये हम लोग ने इंट्रोडक्शन में देख लिया है ठीक है तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका फर्स्ट लाइफ प्रोसेस दैट इज़ न्यूट्रीशन उसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे ठीक है आपको पूरी एन की लाइन टू लाइन आपको पढ़ना है ये बार बार हम बता रहे हैं जिससे आपका एक भी मार्स बिल्कुल नहीं कहीं से कटे ठीक है तो इसलिए हमने आपको काफ़ी एक्सप्लेनेशन दिया है आगे भी हम एक्सप्लेनेशन देंगे अलॉन्ग विद द टेक्निकल नॉलेज डायग्राम्स भी आपको ड्रॉ करके उसमें बताएंगे कि किस तरीके से उनको आपको ड्रॉ करना है और उनको कैसे आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं ठीक है तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा चैनल को सब्सक्राइब करिए अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और लगातार इसके साथ बने रहिए वीडियोस के साथ जिससे आपका एक लिमिटेड टाइम में लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम आपका पूरा जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाए बहुत अच्छे से चलिए तब तक ले थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे बेटा